गुड मॉर्निंग दोस्तों, अजरन सुमित व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये गुरबाणी है और जो गुरुद्वारे में सुबह सुबह जो भजन गाए जाते हैं वो है ये। और मैं इस वक्त अलीगढ़ में हूँ, यूपी के अलीगढ़ में, और जहाँ हमारा होटल है उसी के बगल में आई गेस गुरुद्वारा है। मैंने रात में तो नहीं देखा था, अभी मैं देखूँगा अगर होगा तो। बट ये जो है सुबह सुबह से ये इतना ज़ोर से ये साउंड आ रहा है कि जैसे मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था बट मैं 5 बजे ही उठ गया जैसे ये शुरू हुआ। तो अभी मैं अलीगढ़ में घूमने वाला हूँ, कुछ कुछ स्टोरीज करने वाला हूँ, कई लोगों से मिलने वाला हूँ। और आज के व्लॉग में अज़रा नहीं है, कोई और है। कौन है मिलवाता हूँ आपसे। गुरवाणी सुन के उठ गया। क्या गुरवाणी सुन के उठ गया? अरे यार सुबह में अजान चल रही थी अभी गुरवाणी, और वो मेरे ख्याल में भी वो भी चल जाएगी थोड़ी देर में। भजन भजन चल रहे क्या? शुरू में चले भी थे पीछे। हाँ तो रेडी हो? हाँ मैंने नहा भी लिया। चलो पैक करो, अभी हम लोग निकलेंगे काम करने के लिए। मतलब आप जैसे अगर बहुत रात रात के पे काम करके आए हो और आपको अच्छी नींद चाहिए तो होटल लेने से पहले आसपास देखिए कोई धार्मिक स्थल तो नहीं है, नहीं तो सुबह सुबह वो शुरू हो जाता है और फिर आपकी नींद गई। मैं भी उठ जाता हूँ। मैं तो इसके ऊपर ऐसे पहन लूंगा, देखो है ना, शर्ट नहीं पहनना, दिस इज मोर कंफर्टेबल। और सिर को बचाने के लिए मेरे पास अज़रा का स्टॉल है, इसका यूज मैं पगड़ी की तरह करूंगा। ये बहुत आसान भी है, इसको ऐसे बांध लो। ये देखो ठंड है बहुत ज्यादा, और ठंड से बचने के लिए इस तरह के जुगाड़ करने चाहिए। मैं अपना सर ढक के चलता हूँ और ये पूरा जैकेट वैकेट पहन के चलता हूँ, बट ये लड़का, इसको लगता है ये अभी भी जवान है, हालांकि ये बुढ़ापे की दहलीज पे है। ये जैकेट भी नहीं पहनेगा और ना सर ढकता है, कुछ पहनता नहीं है, और ऐसे ही चलता रहता है। जब बारिश का मौसम है या कुछ होता है तो ऐसे खड़ा हो जाता है टाइटैनिक पोज में, इसको लगता है कि इज एंजॉइंग द मोमेंट। बट इसको ठंड लग गई है, जुकाम हो गया, इसको छींक रहा है, और मैं अभी इसको दवाई दूंगा, चाय पिलाऊंगा। थोड़ा सा क्या हुआ है, जुकाम तो हुआ है सुबह तो। मैंने शायद कल संतरा खाया था तो गला थोड़ा सा मेरा वो। रहने दो तुम, और कुछ नहीं है, रहने दो। और मैं कहता हूँ कि ट्रैवल करो तो बहुत बच के रहा करो, क्योंकि आप बीमार हो जाते हो तो एक तो आपका काम नहीं हो पाएगा, दूसरा आपका जो है समय बर्बाद हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा, तो इसलिए बच के रहना चाहिए अच्छे से। लिखिए कमेंट में, इसको बताइए। लग रहा है बस हम ही उठे हैं यहाँ पर और कहीं मिल गया। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये एकदम मस्टर्ड मस्टर्ड हो गया, सेम कलर हो गया ना हमारा, मस्टर्ड कलर सही है। बढ़िया से चाय पियेंगे, हालांकि मैं पीता नहीं हूँ। ओ हो 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 हो, ला प्लानिंग तुम्हारी। बाहर हो रही है बारिश खतरनाक वाली। ओहो मोहित, यहाँ तो अभी कुछ खुला नहीं है यार, यहाँ तो अभी कुछ खुला भी नहीं है। हम लोगों को रिपोर्टिंग के लिए जाना है, मतलब हमने प्लान किया था कि सुबह सुबह रिपोर्टिंग करेंगे जाके। मोहित और अभी समय कितना हुआ है? 7:07 बजे। 7 बजे ना, 7 बजे हैं।
अब तैयार होके आ गए हैं तो ले चाय वाय पीते, कुछ मिल गया तो कर लेंगे। देखो वो गुरुद्वारा है पीछे, उससे आ रही थी आवाज़, आपको दिख रहा है वो वहाँ पे गुरुद्वारा है, मस्जिद, पता नहीं क्या क्या आवाज़ आ रही थी सुबह। तो चलो फिर निकलते हैं, आओ है ना, निकलते हैं चलो। ठंड भी हो गई है मोहित, तो और जैकेट पहन ले। अरे भाई सच में यार हद है, मैं रजाई लेके घूम लूं। तुझे से पिछले व्लॉग में दिख रहा था रजाई प्रथा, रजाई प्रथा भाई मैं दो से ज्यादा लेयर नहीं पहनता। लेट देखो मेरे को भीग गया, मैं पानी गिर गया ऊपर मेरे। ओहो ये तो भाई साहब कैसे रिपोर्टिंग होती है, ऐसे में लोग भी नहीं मिलेंगे हमको ना, हम लोगों ने एक्चुअली सोचा था कि सुबह सुबह जो पार्क में लोग घूमने आते हैं ना मॉर्निंग वॉक करने, अंकल टाइप बीजेपी भक्त वहाँ जाएंगे और लोगों से बात करेंगे चुनावी उसमें, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि लोग ऐसे मौसम में बाहर निकले होंगे। बट अब लोग हम उठ गए हैं तो क्या करें, अभी वी आर ऑलरेडी रेडी। और पता ही है होटल में, मतलब जहाँ हमारा रूम था उसमें कोई विंडो नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं चला कि बाहर मौसम कैसा है। दिक्कत होती है छोटी जगह पे ना, मतलब बहुत अच्छे होटल्स नहीं मिलते, और कोई होते हैं तो फिर वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं, मतलब आप एक रात का 10,000 रुपये तो नहीं चुका सकते। मतलब हम बचते हैं क्योंकि बहुत कम पैसे में ट्रिप करना चाहते हैं ताकि सेविंग्स हो सकें या कम खर्च हो। विंडो से पता चल जाता तो हम शायद नहीं आते निकल के। कहाँ चले, जाए, अरे बोर्ड था पीछे ऑटो वाले, सीधे चले, सीधे तो हम आए थे ना। यहाँ पे मेला लगा हुआ है अलीगढ़ में, नुमाइश नाम से बहुत फेमस होता है ये, बहुत बड़े एरिया में लगता है ये, वही है नुमाइश ही है ना, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था मेला। बट हम इसमें जाएंगे अभी दिन में, हमारा शूट है यहाँ पे, हम अभी तो ये जैसे शुरू नहीं हुआ होगा। पीछे हमें एक ऐसी चीज़ दिखी है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हम वापस जा रहे हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, और ये अच्छा ये जन्मतिथि लिखी हुई है, वो इंस्टॉलेशन वाला नहीं है कि कब इंस्टॉल की गई, बाबा साहब की तस्वीर है। लेकिन आप देखेंगे तो इसको जो है ऐसे शीशे में कवर किया हुआ है, और बहुत बार ऐसे ग्रिल भी लगी होती है लोहे की, क्योंकि बहुत जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो बाबा साहब की मूर्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति की मूर्ति तोड़ी गई है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। इसको ऐसे समझिए, खौफ, खौफ जो होता है ना, डर कि मनुवादी लोग बाबा साहब की मूर्तियों से भी डरते हैं, उनमें इतना डर है कि ये मूर्ति चल पड़ेगी और उनको आगे जो है उनको औकात दिखा देगी, तो लोग बाबा साहब की मूर्ति से भी डरते हैं। सुबह सुबह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति दिख जाती है तो एनर्जी मिल जाएगी, एकदम जोश हाई हो जाता है। और अभी अलीगढ़ से सुबह वाली जय भीम, अभी हम कुछ चुनावी स्टोरी करेंगे। मोहित इधर कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो लेट्स हैव टी और उनसे कुछ बाद में कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। तो अभी हमारी एक चुनावी स्टोरी हो गई है और काफ़ी मज़ेदार डिस्कशन था, आप लोग न्यूज़ वीक पर जाकर देखिए। मतलब ऐसे ना अच्छी ऑडियंस मिलती है ना कि जिनको मतलब मुद्दों की समझ होती है, तो आपको बात करने में भी मज़ा आता है, वो जवाब देते हैं सही से, तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब हाँ यार सही है, वरना थोड़े से ऑडियंस तार्किक होनी चाहिए। यहाँ पे वो खाजा मिल रहा है जो हमने मगर में खाया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, यूपी वाले ऑफेंस ना हो, नो ऑफेंस, बट हमको तो मगर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
मोहित, अलीगढ़ का क्या फेमस है? बचपन में कुछ याद है अलीगढ़ से? अलीगढ़ का एक तो यूनिवर्सिटी का है, और यहाँ पे जो है ताले का बताया जाता है कि ताले ताले हरिसंस वाला जो ताला था ताले। ये मुझे अलीगढ़ के ताले जो है ना बहुत फेमस है, मतलब मैंने सुना हुआ है। तो बचपन में जितने भी हमारे घरों में ताले यूज होते हैं, बल्कि आज भी वैसे जो वैसे ताले होते हैं ना कुंडी में लगाने वाले, जब मुझे बताया था एक बार तो वो ताले बोल रहा था, मैंने सोचा ताल जो होता है ताल उनको बोल रहा होगा, बहुत सारी ताले हैं। नहीं, ताले मतलब लॉक, लॉक्स। तो हम अभी अलीगढ़ में आए हैं और अलीगढ़ के तालों की बात ना हो ये कैसे हो सकता है। तो हम लोग अभी मोहित तुम्हें लेके चलता हूँ मैं ताला नगरी। यहाँ पे एक जगह है ताला नगरी, और मतलब अंग्रेजी में लॉक सिटी। उसमें पूरा सिर्फ ताले ताले का ही काम होता है, वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, लॉक टाउन है वो, और वहाँ हम लोग जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे वहाँ पर ताले के बारे में, कैसे कैसे अलीगढ़ के ताले होते हैं। मोहित जो है बारिश में ही शूट कर रहा है ये पोस्टर पे, एक स्टोरी हम लोगों ने की है और बारिश हो रही है और मोहित किस तरह से शूट कर रहा है ये देखिए आप लोग। हो गया चलो चलो, वैसे भी ठंड लग जाएगी तुम्हें। तो बारिश हो गई और देख रहे होंगे भीग गए हैं मोहित, काफी भीग गया, कैमरा भी भीग गया, मुझे अंदर भी कैमरे का डर लग रहा था ना, पानी चला जाता है तो इसका। मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं? बताओ। मतलब अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, उसे मैं घर पे भी बना सकता। क्या? एक छोटी ना वो छतरी ऊपर लगाने की, तुम छतरी को तो लेकिन हमें वो करना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा या मिल जाएगा, बच्चों टाइप वाली मिल जाएगी शायद, और वो हैंडी हो जाएगी। ये हम अभी जो है रिपोर्टिंग में उस दिन मेरठ में रैली में भी भीगे थे, आजाद की जब रैली थी याद है तुम्हें कितने बुरी तरह भीगे थे, और अभी हम यहाँ पे भी गए हैं। अभी आगे जाना है, चलो आगे चलते हैं। ये तुम बागडोर संभालो कैमरा। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। खतरनाक मौसम हो गया है एकदम, बारिश कभी हो रही है कभी रुक रही है, यही काम कर पाएंगे हम। हम लोग ताला नगरी में तो पहुंच गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग सब कुछ हुआ है। लोग कह रहे हैं यहाँ पे ताले नहीं बनते, मतलब फैक्ट्री है वो ह्यूज लेवल पे है मैन्युफैक्चरिंग। वो जो लोकल होता है ना एक, वो नहीं मिलेगा ना। well, let's go, कहीं चलते हैं थोड़े एक आध किलोमीटर अगर कुछ दिख गया तो। अब आ गए हैं तो इतना घूम लेते हैं। तो हमारा काम नहीं हुआ, यहाँ पे मेटल फैक्ट्रीज हैं, उसमें कुछ कुछ ताले बनते हैं, बट वो डोर्स के अंदर लगने वाले ताले हैं, जो छोटे ताले होते हैं कुंडी वाले वो यहाँ पे उतने नहीं बनते हैं, उसके लिए हाथ से कारीगर हैं। अपर कोट नाम की जगह है, वहाँ अब हम जा रहे हैं करीब 11 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो हमारा पूरी ट्रेवल ये बेकार हो गई। गार्ड वार्ड रोकते नहीं लोगों को? गार्ड वगैरह नहीं है? नहीं, गार्ड गार्ड जो होते हैं वो रोकते नहीं है। हम लोग अभी आए हैं अलीगढ़ में, माता अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम है वहाँ पर, और अभी हमने यहाँ पे जो खिलाड़ियों से बात की है, रिपोर्ट आपको मिलेगी द न्यूज़ वीक पर, वहाँ जाके देखिए। अभी 11 बज गए हैं और हमने स्टोरी की है, एक कुछ ग्रुप मिला था जिसमें बहुत सारे जो लोग थे वो आरक्षण विरोधी थे। हाँ, इधर से ही ले, और वो उनके
आपके साथ एक मधुर संवाद हुआ है जो आप चैनल पे जाके देखिए, मजा आएगा आपको देख के। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर द्वार, ये नुमाइश में एक द्वार लगा हुआ है बाबा साहब के नाम पर। तो अभी अलीगढ़ में ही हमें कोई मिल गए हैं, कौन है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए भाई साहब, हेलो, मास्क नीचे उतारिया ऐसे कैसे, हाय, ये हाय बोलिए आप, हाय। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमें अलीगढ़ में मिल गए हैं, और आप क्यों आए हुए हैं अलीगढ़? आज अलीगढ़ में एक आयोजन है, ये सोशल जस्टिस पर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमें भी बुलाया गया है दिल्ली से, और आज लोगों से बातचीत करनी है, उस कार्यक्रम में आए हुए हैं। बढ़िया, तो हम लोग भी चुनाव के लिए आए हुए हैं, तो मिलके अभी हम लोगों ने कई सारी चुनावी स्टोरी कर ली है, और अभी कुछ और ढूंढ रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, और फिर आपका भाषण भी सुनेंगे। सारे भगवा कलर के द्वार हैं। अच्छा, ये विधायक जो है ना संजीव राजा। और ऐसे ही मतलब हम कम से कम 10-15 गेट देख चुके हैं, और सारे भगवा वाले हैं। ये आनंद साहित्य सदन और प्रोफेसर ए आर अकेला जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, बाबा साहब का मनवर कांशीराम का समग्र संकलन, कांशीराम साहब का अकेला साहब नहीं करा ना? हाँ, इन्होंने ही किया है। और किताबों की ऐसी दुनिया के बीच में आना, जैसे लगता है कि कुछ बहुत ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। और ये देखो साहब, कांशीराम और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब। आपका तो आज कार्यक्रम है नुमाइश में। जी 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 जी, इनका कार्यक्रम है। कैसे हैं आप? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है सब? बिल्कुल है, बहुत काम करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम करना है अभी। अभी क्या है, साखा तो पाठा। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। अकेला साहब की किताबें जो मान्यवर कांशीराम साहब के भाषण और उनके आर्टिकल्स बहुजन संगठक और ऑप्रेस्ड इंडियंस में जो लिखा था वो सब है, और अकेला साहब अलीगढ़ में ही रहते हैं, तो हमारी मुलाकात होगी उनसे, और बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और आपको भी अगर यहाँ से किताबें खरीदनी हो तो आपका कोई नंबर है आनंद, यहाँ पे कैसे संपर्क करें आपसे? 9319294963। हम डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देंगे, अगर आपको ये कलेक्शन मंगाना हो तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पुराने रजिस्टर है सर, दस्तावेज संपादक मानवर कांशीराम लिखा हुआ है इसमें, ये 1970, ये उसकी 50% है। अच्छा, ये आकार जो बहुजन संगठक का ओरिजिनल पेपर है जी, जी। उसका 50% है, और कितने अक्षर बारीक है, कितना टफ काम था ये, बहुत मेहनत का काम है ये, इसलिए किसी ने नहीं किया, नहीं कोई भी कर लेता। कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं होना चाहिए, सिर्फ लीडर का ही क्यों होना चाहिए? भाई कार्यकर्ता ही तो लीडर को बनाते हैं। तो अकेला साहब से मुलाकात करने के बाद हम लोग अभी आए हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, करीब 1:30 बज चुके हैं, तो अभी हम खाना खाएंगे और फिर यहाँ से एक प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ नुमाइश ग्राउंड बहुत ही फेमस एक जगह है जहाँ पर मेला लगता है, उस मेले को घूमेंगे और एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। अभी खाना खाते हैं। देखो ओबीसी ग्रुप के भगे नेला प्रजापति यादव, उनको मैंने आपको मोटिवेट, देखो कम से कम तुम टैग नेम सर्वे तो देखो भाई, एट तुम देखो तो पता तो पड़ेगा। सही बात है, तो कम से कम कुछ लड़कियां हैं वो, हाँ मैं सही कहता था, बहुत टाइम हो गया इसको, अब देखती हैं देखती हैं। उन्होंने दिखाया, ऑर्डर कर लिया? हाँ बस वही कर रहे हैं, एक मिक्स वेज कर दो, और कल जो पनीर दिए थे वो मत दो, पनीर मत लेना कुछ भी। अच्छा ये भी चल रहा है? वो हमारा सब रिकॉर्ड होता है ना, मोदी को भेजना पड़ता है, मोदी को देखते हैं।
मोदी को क्या किया, डेट देनी पड़ती है ना। अभी हम लोग जो है वो नुमाइश मैदान में आए हुए हैं, और नुमाइश एक तरह का मेला है यहाँ पर, काफ़ी फेमस अलीगढ़ का, और यहाँ पर कई सारी एक्टिविटी हो रही है, और यहीं पर एक प्रोग्राम है जिसमें अभी हमें कवरेज करनी है, शामिल होने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा ये भी घुमाएंगे और अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है वो भी दिखाते हैं। बावरे गांव में ऊंट यूट्यूब पर पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। चित्रा जौहरी पेंटर नाम है मेरा। क्या नाम बताया? पेंटर का काम करता हूँ, चित्रा जौहरी पेंटर। चित्रा जौहरी पेंटर, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मास्क गिर गया, हो गया पैक। मोहित ने सारी पैकिंग कर ली है, सामान पैक हो गया। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अलीगढ़ से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा, नुमाइश का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा, और चुनावी स्टोरीज़ भी कई सारी हुई। तो आज के व्लॉग में इतना ही, साथियों ये चुनावी स्टोरीज़ अगर आपको देखनी है तो आप द न्यूज़ वीक चैनल पर जाके देखिए, वहाँ आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलेंगी चुनाव से जुड़ी हुई। और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया यूपी में, तो और ज़्यादा रिपोर्ट्स आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, अजय सुमित व्लॉग्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, बाय बाय।